गोकुलधाम सोसाइटी में और मिलवाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों से। मैं हूं रीता रिपोर्टर कल तक से। ये है हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग सदस्य चंपक चाचा, ये है ढेखाला चंपकलाल गया और ये है गया टप्पू के पापा गया। ये है गोकुलधाम सोसाइटी के एक महिला सेक्रेटरी आसाराम सुताराम भिड़े और ये है महिला मंडल की अध्यक्ष माधवी भिड़े। ये है हमारे लेखक तारक मेहता और ये है हमारे डाइटिशियन अंजलि तारक मेहता एटीएम। ये है हमारे गोल्डन फील अवार्ड वरिष्ठ युवा पत्रकार कुआरे और ये है हमारी सबसे स्मार्ट शैतान टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओम सूर्य नमो मंगलाय नमो रवे नमो मित्राय नमो महवे नमो। ये जेठालाल बुरे मिले मिले क्या सॉरी जेठालाल बुरे कपड़े भी ले कर दिए। अरे क्या हुआ मेरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मुंबई लाल जेठालाल ने मुझको पानी गिरा दिया, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था, सॉरी भी गया, वो गलती से गिर गया। आज तो बहुत बोर हो रहे हैं, क्यों ना आज क्लास को बंक करें? अरे नहीं डॉक्टर, हमें बंक नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी बाबा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ डॉक्टर, सोनू सही बोल रही है, एक ही तो स्कूल लाइफ है, तुम लाइसेंस क्यों ले रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो फ्रेंड्स। अमित तुमने देखा था कुछ ना को? ये क्लासेस को अटेंड करने के बजाय बंक मार के यहाँ घूम रहे हैं, ये पक्का टप्पू की शैतानी है। अब वो सोसाइटी वालों को कॉल करके बताता हूँ, गोकुलधाम में देखते हैं। मेहता साहब, मोपटलाल अय्यर, क्या हुआ मुझे? जल्दी में क्यों बुलाया? क्या मिनी मास्टर क्यों चिल्ला रहा है? पूरी सोसाइटी को सर पे उठा रहा है। अरे भैया, हमारे बच्चे स्कूल गए थे, थक गए होंगे। हाँ वैसे भी हमारी टप्पू सेना बहुत खुशी आए, दिन तो अच्छा ही गया होगा। हाँ बहुत अच्छा दिन गया हमारे टप्पू सेना। मेरे बच्चे तो वैसे भी बहुत समझदार है। क्या हुआ बच्चों, आगे नीचे और सर क्यों झुका रखा है? मैं बताता हूँ बाबू, तुम लोगों ने किया क्या? मत बता दे क्या, मुझे सब पता है। सॉरी बाबा, सॉरी मैम, सॉरी दादा जी। क्या सुनी, तुम्हें लगता है कि क्लास में सिर्फ अकेले तुम ही प्रयोग होते हैं, सिर्फ तुम्हें ही छुट्टी की जरूरत है? क्या हम टीचर नहीं चाहते कि हमारी भी छुट्टी हो? हम टीचर चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा हो वो हर एक बच्चा अच्छा आदमी बने, अच्छे कॉलेज में जाए, और तुम लोग उनकी क्लास बंद कर रहे हो। हर टीचर्स का काम है तुम लोगों की तरह की अच्छी नींव डालना, पर अगर नींव भी कमजोर होगी तो इमारत कैसे बनेगी? पर तुम लोगों ने मुझे बहुत ही दुखी किया है, मैंने तुम लोगों से ये कभी उम्मीद नहीं किया। सॉरी भैया, सॉरी दादा जी, हमसे गलती हो गई, आज हमें पता चल गया और वो हमारे लिए कितना डेडिकेटेड है। टप्पू सेना, मेरी एक बात हमेशा याद है, ढाई अक्षर का शब्द होता है भाग्य, तीन अक्षर का शब्द होता है नसीब, और साढ़े तीन अक्षर का शब्द होता है किस्मत, लेकिन यह सबसे बड़ा चार अक्षर का शब्द होता है सफलता। और सफलता की राह पर सिर्फ शिक्षक की साथ हमें रखता है तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। बापू जी, हमें समझ आ गया कि टीचर हमें जीवन की राह दिखाते हैं और वो फिर